करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाजरीन, फिल्म एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के बाद डायरेक्टर कबीर खान और सलमान खान ट्यूब लाइट ला रहे हैं। फिल्म का टीजर कल रिलीज हुआ और सिर्फ 2.5 घंटे के दौरान 1 लाख अफराद ने उसे देखा और तहलका खेज फिल्म बाहुबली के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे 3 घंटों में 1 लाख अफराद ने देखा था। फिल्म 1962 में भारत और चीन के दरमियान जंग के तनाजु में बनाई गई है। सलमान खान ने इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है जिसकी जहनी सलाहियतें आम अफराद से कम है, यानी वही ट्यूबलाइट है। जंग के दौरान सलमान का भाई बॉर्डर के उस पार खो जाता है। कहानी में दिखाया ये गया है कि किस तरह से सलमान खान बॉर्डर क्रॉस करके अपने भाई को तलाश करता है। फिल्म में सलमान खान के मुकाबले चीनी अदाकारा जोजो है, जिनकी ये पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होगी। फिल्म के दीगर किरदारों में सलमान के भाई सुहेल खान और मुख्तसर किरदार अदा करने वाले शाहरुख खान भी शामिल हैं, जिन्हें 2 मिनट दौरानी के इस टीजर में नहीं दिखाया गया। तवक्कल की जा रही है कि ये सल्लू भैया की फिल्म भी मैदान मार लेगी। फिल्म रवा साल ईद उल फित्र के मौके पर 23 जून को रिलीज की जा रही है।